गुलाब जामुन की बात करें तो भाई गुलाब जामुन एक ऐसा डेजर्ट है जो मोस्टली सभी को पसंद होता है। भाई मुझे तो बहुत पसंद है। देखिए ये जो गुलाब जामुन है एकदम सॉफ्ट, परफेक्ट कलर एंड परफेक्ट शेप के साथ साथ स्वाद में भी इतना ही बढ़िया बना है। और इसको बनाने के सभी सीक्रेट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद श्वेता टॉम। हमें चाहिए 1.5 किलोग्राम चीनी, 1 किलोग्राम खोया, 130 ग्राम पनीर, 30 से 35 बारीक कटे बादाम और काजू, 110 ग्राम मैदा लेंगे, 10 से 15 पिसा हुआ इलायची पाउडर। सबसे पहले हम चाशनी बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हम चीनी को भिगोने में डालकर और इसमें लगभग 2 लीटर के करीब पानी डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। इसमें साथ ही हम इलायची पाउडर डालेंगे, इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ये चाशनी तैयार होने में हमें 20 से 25 मिनट का समय लगेगा, तब तक हम साइड में अपने मावा को तैयार कर लेते हैं। और अब हम इसको हथेली से मसलते हुए एक सॉफ्ट डो की तरह तैयार कर लेंगे। ये देखिए एकदम सॉफ्ट बन गया है। और इसी तरह हमने पनीर को भी हाथों से मसलकर एकदम सॉफ्ट बना लिया है। और इसके बाद हम तैयार किया हुआ मावा, पनीर और मैदा को मिक्स करके तैयार कर लेंगे। देखिए ये बनकर एकदम रेडी है। गुलाब जामुन में अंदर भरने के लिए हमने काजू, बादाम और 20 से 25 केसर की पत्तियाँ डालकर एक मिक्सचर तैयार कर लिया है। और ये देखिए हमारी चाशनी बनकर तैयार है। ये गाढ़ी हो चुकी है, इसको चेक कर लेते हैं। इसको हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। अब चलिए इसको शेप देना स्टार्ट करते हैं। तो हम गुलाब जामुन की शेप देंगे और इसके अंदर हम इसको फिल कर देंगे जो हमारा तैयार मिक्सचर है। ये देखिए, और इसको जैसे हम पेड़ी बांधते हैं इसको इस तरह से गोल करके हम तैयार कर लेंगे। ये जो हम शेप तैयार कर रहे हैं इसमें कहीं पर भी कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। और वो हमें ये भी बताता है कि हमारा जो मिक्सचर है वो सही तरह से तैयार हुआ है या नहीं। ये देखिए एकदम परफेक्ट शेप बनकर तैयार है। अब मीडियम फ्लेम पर घी गर्म करने के बाद सिर्फ एक को तलकर देखेंगे कि ये कहीं से फट तो नहीं रहा है। हम इसको इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जिससे कि ये बराबर सीखे। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन में कहीं से क्रैक्स नहीं आए हैं, फटा नहीं है ये कहीं से, और एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम बाकी के भी गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे। और इनको फ्राई करते हुए हमें मीडियम लो फ्लेम रखनी है और इसको बराबर चलाते रहना है जिससे कि आपस में चिपके नहीं और बराबर सीके।
अब गुलाब जामुन तलने के बाद हम इसको डायरेक्ट चाशनी में छोड़ देंगे, और जो हमारी चाशनी है वो ठंडी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा गुनगुनी होनी चाहिए। और इसी तरह से हमने बाकी के भी गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।